ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, मैं आकर के तुम बच्चों को फिर से ये सहज राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। बाबा कहे, जब ये फिर से शब्द आता है तो ये फिर से शब्द में सारा चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। इस चक्र के अंदर एक तरफ सर्वशक्तिमान परमात्मा बहुत प्रबल है, जो बच्चों को पावन बनाने में प्रबल है, तो दूसरी ओर माया पतित बनाने में प्रबल है। तो बाबा कहे, जब माया की ग्रहाचारी बैठ जाती है तो बच्चों को अपने वश में कर लेती है, और इसलिए बाबा बच्चों को बार बार सावधान करते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर के रहो। जितना देही अभिमानी होकर रहेंगे पावन रहेंगे, जब देह अभिमान के वशीभूत हो जाएंगे तो माया अपनी ओर खींच लेती है और पतित बना देती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाही बना देती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। गलत राह पर चले गए इसलिए तो दुखी हुए। अभी कितने दुखी है क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। किसकी? परमात्मा की मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाला रावण का राज्य शुरू हुआ है तब से लेकर के सब उल्टी मत पर ही चलते रहे। बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी है। गांधी बापूजी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित है, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया है? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे। बहुत सुंदर बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए, वैल्यू ही खत्म हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं कि एक ही भूल सबसे बड़े से बड़ी भूल है। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है।
बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मते हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं। बाबा उसी गीता के आधार पर कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूं। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा, अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है, किसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं तो माना लाइन क्लियर है। जो भी बाबा कहे, समझदार बच्चे हैं वो इतना तो समझते, कौन समझा रहे हैं, उनकी लाइन क्लियर है। किसकी, जो देही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं, यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है, क्या मालूम पड़ जाता कि कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहां तो यह बात हो न सके। यह तो ड्रामा में नूंद है, कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। बाबा कहे हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहाचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्व विवाह करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पति पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशेष वर्ल्ड, कितनी जबरदस्त प्रबलता है, माया की भी कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारगती दिला देती है, इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, ये कोई थोड़ी जानते हैं। दिन और रात
आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर भी सत्युग को लाखों वर्ष और कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं, अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, अभी हर एक बात बाबा स्पष्ट करके समझाते हैं तो समझ में आता है। ये तो बिल्कुल राइट है, बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ी गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं। बाबा कहे ऐसे तो कोई इस संसार में है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख कर राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का है नहीं। यहां तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलफ पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहां से आए हैं, फिर कहां जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया कौन देश है जाना, गीत में भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वो कौन है। ये मनुष्य समझते नहीं है, उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना, क्या फर्ज है आत्मा का? तो आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना, तीसरे आंख से देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा है परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं, जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना कि उनकी आत्मा आई है। तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए, बाबा कहे तुम समझते हो तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते, क्या कह देते, बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं, वह है आसुरी संतान। जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये दो अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो, प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्र को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बनाया, एडॉप्ट किया? हथियाला बांधा तो एडॉप्ट किया। बाप कहते मुझे भी मात पिता कहते हो, मैं बाप तो हूं, मेरी कहां से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। स्त्री एडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर वंशावली रचते हैं, बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। कितना बाबा
सरलता से समझाते हैं कैसे वो माता पिता बनते हैं और मनुष्य सृष्टि को रचते हैं। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया है, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा भी नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं या फिर इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, खुद कहते हैं। खुद शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है तो नाम भी बदली करता हूं। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, उस समय एक ही समय में कितनों के नाम वतन से आए, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए, बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। इनको भृगु ऋषि कहते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा को। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अभी सभी तो है नहीं, इतनी बड़ी नामों की लिस्ट आई थी उस समय के जो सभी बच्चे हैं, अभी तो कोई भी है नहीं, लगभग सारे ही चले गए एडवांस पार्टी में। कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आज है कल नहीं है। नंबर वन दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर इन पर जीत पानी है। ये है प्रतिज्ञा, बाबा कहे ये है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं ये धंधा करे व नहीं करे। कई बच्चे आते थे ना बाबा के पास, पूछते थे बाबा हम ये बिजनेस करें या नहीं करें। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूं क्या? मैं तो टीचर हूं पढ़ाने के लिए, धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूं, रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर ये मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाए का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति, सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते हैं ना, सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर यह कहते कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? ये बातें समझानी है। हरेक की रफ्तार अपनी है, बाबा कहे बातें स्पष्ट करनी है, समझानी है, लेकिन फिर भी हरेक की रफ्तार अपनी है। पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही है। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। बाबा कहे जो श्रीमत पर नहीं चलते उसको कहेंगे तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए, सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। बल कोई सब कुछ देते हैं
परंतु सर्विस नहीं करते हैं। जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो, बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठा जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात ये उठाओ, कौन सी? गीता का भगवान कौन है? किसने रचना रची? लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते, इसीलिए गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं आकर अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करूंगा। तो बाबा कहे सत धर्म माना बाप ही, व सत धर्म की राजधानी भी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे है। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में ही यह बात बैठ सकती है। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, ये संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। ये नहीं कि सब कुछ दे दिया बाबा को, अभी हमें कोई सर्विस करने की जरूरत नहीं। नहीं, बाबा कहे सर्विस भी करनी है, नहीं तो जो दिया वही खा लिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दो, उसको दुश्मन ना समझो, लेकिन पाठ पढ़ाने वाली समझो। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही आती है। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो, तो वह विदाई ले लेंगे। कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो तो वह विदाई ले लेंगे। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी।
हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। कहा जाता है दृढ़ता में सफलता है। तो बाबा कहे, जब दृढ़ संकल्प किसी भी बात का कर लेते हैं और उसी अनुसार पुरुषार्थ में लग जाते हैं तो वो दृढ़ता हमें महानता की ओर ले जाती है और सफलता अवश्य दिलाती है। तो इसीलिए दृढ़ता में सफलता, तो ये दृढ़ता की सफलता का अनुभव हर समय करना है। ओम शांति।